अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू HS होम ट्यूटर। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 19, जो कि हमारे पास है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मैट्रिसेस के बारे में, जो आखिर मैट्रिक्स होता क्या है और इसकी टाइप्स के बारे में, जो किस किस तरह के मैट्रिक्स हो सकते हैं। मैट्रिसेस एक हमारे पास एक बेसिक मैथमेटिक्स का ये एक टॉपिक है, जो कि लीनियर अलजेब्रा से बिलोंग करता है। मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के जरिए लिखते हैं। मतलब कि इस तरीके का हमारे पास है ये जो टर्म है, ये कहलाती है हमारे पास मैट्रिक्स, जिसमें नंबर्स होते हैं हमारे पास, जिसको हम नाम दे देते हैं A, B, C और D। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, समटाइम्स इसको सिंपल ब्रैकेट से भी डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पर ये होता क्या है और इसमें क्या क्या होता है और किस तरह की टाइप्स होती है, ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो देखा जाए तो यहाँ पर ये आमने सामने दो एलिमेंट्स, इस तरह से एक एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और इस तरह से इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इस मैट्रिक्स की, ये कहलाती है इसकी रॉ। जबकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो कहलाती है रॉ, और ये जो वर्टिकल लाइन है वो कहलाती है कॉलम। तो यहाँ पर हमने देखा क्या है, मैट्रिक्स में दो तरह की चीजें होती है। एक जो वर्टिकल लाइन में हमारे पास एलिमेंट्स लिखे हुए होंगे उनको हम बोलेंगे कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन में हमारे पास लिखे हुए होंगे एलिमेंट्स, वो हमारे रॉ के एलिमेंट्स कहलाएंगे। अब अगर दो एलिमेंट्स हैं तो दो एलिमेंट्स होंगे रॉ में, और अगर तीन है तो तीन। इस तरह से अगर हम देखें तो इस वाले मैट्रिक्स में कितनी रॉज हैं, 1 और 2। समटाइम्स हमारे पास इस तरह से मैट्रिक्स भी आएगा, जिसमें A, B और C और यहाँ पर D, E और F इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। तो इसमें कितनी रॉज हैं, 1, 2 और 3। अब देख लेते हैं कॉलम्स। तो ये जो हमारे पास A और C, ये जो दो एलिमेंट्स हैं, ये हमारा कॉलम कहलाएगा। तो एक कॉलम और दो कॉलम्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर भी एक कॉलम और दो कॉलम्स हैं। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स में कुछ चीज़ें जो बेसिक है हमारे पास रॉ और कॉलम को समझना। इसके बाद देख लेते हैं मैट्रिक्स इक्वल किस वक्त होते हैं और उसकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स अगर दिए जाए तो वो इक्वल कब होंगे और कैसे होंगे वो देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, यहां पर मैं दो मैट्रिसेस अपने पास लिख लेता हूं, जिसमें कुछ एलिमेंट्स लिख लेंगे 1, 2, 3 और 4, और दूसरा मैं लिख लेता हूं अपने पास 1, 2, 3 और 4, और यहां पर एक और ले लेते हैं हम, जिसमें मैं लिख लेता हूं 1, 3, 2, 4, 5, 6 और यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और यहाँ पर आ जाएगा 7, 8 और 9। यहाँ पर मैंने अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल्स चार मैट्रिसेस ले लिए, जिनमें हमने ये बात देखनी है जो ये इक्वल हैं या नहीं। देखने में हमें नज़र आ रहा है ये पहले वाले दो जो हैं ये इक्वल हैं, पर तरीक़ेकार सीख लेते हैं, ये तो हमें देखते हुए ही नज़र आ रहे हैं। तो तरीक़ेकार क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे दो मैट्रिक्स जिनको हमने इक्वल प्रूफ करना है उसमें रॉज जो हैं वो बराबर हैं। तो इसमें 1 और 2, इस वाले में 2 रॉज हैं और इसमें भी 1 और 2, मतलब के रॉज तो दोनों मैट्रिसेस में बराबर हैं। अब यहाँ पर कॉलम्स देख लेते हैं, तो कॉलम्स भी 1, 2 और यहाँ पर भी 1 और 2, दो कॉलम्स इधर भी हैं और दो कॉलम्स इधर भी हैं, तो मतलब कॉलम्स भी बराबर हैं और रॉज भी बराबर हैं। अब इसके एलिमेंट्स देख लेंगे, तो फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पर भी फर्स्ट एलिमेंट, इसी तरह से कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पर भी, और इस तरह से सारे एलिमेंट्स एक एक करके चेक करेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स बराबर हैं तो ये दोनों मैट्रिसेस हमारे क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। अब ये नीचे वाली जो दो एग्जाम्पल्स मैंने लिखी हैं इनको देख लेते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स एक रॉ और दूसरी रॉ, और यहाँ पर 1, 2 और 3 रॉ हैं, मतलब यहाँ पर 2 रॉज हैं और यहाँ पर
तीन रॉज हैं, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो मतलब हमने सीखा, अगर तो मैट्रिक्स को हमने प्रूफ करना है जो ये इक्वल है या नहीं है, तो देखेंगे सबसे पहले रॉ और फिर उसके बाद कॉलम और उसके बाद एलिमेंट्स जो बराबर हैं या नहीं है। अगर बराबर है तो हम ये बात बोल देंगे जो ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ लेते हैं, जो कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। हम मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ने जा रहे थे, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है हमारे पास रॉ मैट्रिक्स। अब रॉ मैट्रिक्स क्या होते हैं? एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो। रॉ के बारे में हम अभी पढ़ चुके हैं, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अब मैट्रिक्स हैविंग वन रॉ इस कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इसकी कैसे होगी? 1, 2 और 3। या तो एक और एग्जांपल इसकी ले लेते हैं, यहाँ पर 1, 3, 5, 7। तो ये देखा जाए तो स्क्वायर ब्रैकेट हमें बता रहे हैं ये मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ एक ही रॉ है हमारे पास। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रॉ हो वो कहलाता है रॉ मैट्रिक्स। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पर है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो जिस तरह से रॉ मैट्रिक्स अभी हमने पढ़ा जिसमें सिर्फ एक रॉ हो वो रॉ मैट्रिक्स, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स हैविंग वन कॉलम, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो वो कहलाता है कॉलम मैट्रिक्स। जिसकी एग्जांपल्स हम ले लेते हैं इस तरह से, ए बी और सी। एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ए बी सी और डी। तो ये हमारे पास आगे कॉलम मैट्रिक्स की एग्जांपल्स और कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके नाम से ही हमें देख के पता लग रहा है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप होती है जिसमें दो साइड्स बराबर हों, मतलब के पैरेलल जो साइड्स हैं वो बराबर हों। मतलब के हमारे ये साइड जो होती है स्ट्रेट वाली वर्टिकल वाली, ये कॉलम कहलाती है, और ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है ये रॉ कहलाती है। तो शेप को देखकर हमें पता लग रहा है ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम और रॉ का ऑर्डर जो है वो बराबर ना हो। मतलब के दो कॉलम हैं और तीन रॉज हैं, या तीन रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं, तो इस तरह का मैट्रिक्स हमारा क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें हमारे पास रॉज और कॉलम की तादाद जो है वो इक्वल ना हो। अब मैट्रिक्स होस रॉज एंड कॉलम्स, या हम ये लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल्स टू कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज जो है वो बराबर ना हो कॉलम्स के, जिसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं, ए बी सी डी E और F। यहाँ पर देखा जाए तो इस मैट्रिक्स में हमें देख के ही पता लग रहा है एक और दो दो रॉज हैं और 1, 2, 3 तो तीन कॉलम्स हैं हमारे पास, तो रॉज और कॉलम्स जो हैं वो बराबर नहीं है। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर किस तरह की शेप होती है? स्क्वायर एक ऐसी शेप होती है जिसको चारों साइड जो है वो बराबर हों। तो शेप को देखकर ही हमें पता लगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रॉज और कॉलम्स की तादाद जो है वो इक्वल हो वो क्या कहलाएगा? हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। जिसकी एग्जांपल हमारे पास किस तरह से होगी? ए बी सी और डी, जिसमें दो रॉज हैं और दो कॉलम्स हैं, ये हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। इसकी नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है उसका नाम है जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स क्या होगा? समटाइम्स इसको जीरो का नाम दिया जाता है या नल का भी नाम दिया जाता है, आप जो भी, जीरो या नल मैट्रिक्स।
एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स जो है जीरो हों, मतलब कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं दो रॉज हैं दो कॉलम से, या तीन रॉज हैं तीन कॉलम है, या दो रॉज तीन कॉलम से, जिस तरह का भी मैट्रिक्स है उसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, जीरो हों, ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाएगा नल मैट्रिक्स। पांच टाइप्स हो गई हैं। अब मैं बोल रख के आगे और भी टाइप्स हमारे पास हैं वो भी कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है, टाइप नंबर सिक्स वो है हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगनल भी हमारे पास नाम जो है वो थोड़ा सा चेंज है, पहले हमने कभी नहीं सुना डायगनल मैट्रिक्स। अब क्या होता है, एक मैट्रिक्स पहले लिख लेते हैं अपने पास, यहाँ पर मैं रफ में अपने पास एक मैट्रिक्स लिख लेता हूँ जिसमें हम डायगनल पहले समझ लेते हैं, जो डायगनल क्या होता है। ये मैंने पास अपने अपने पास एक मैट्रिक्स लिख ली है जिसमें तीन रॉज हैं और तीन कॉलम्स हैं। तो अब इसमें क्या होगा, डायगनल हमने पहचानना है, डायगनल क्या है, फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रॉ का सेकंड एलिमेंट और थर्ड रॉ का थर्ड एलिमेंट। ये तीनों एलिमेंट्स, मतलब कि ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, फर्स्ट रॉ के फर्स्ट एलिमेंट से हम स्टार्ट करेंगे और यू क्रॉस में एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे जिसमें हर रॉ का एलिमेंट एक कट हो रहा होगा। जैसे यहाँ पर फर्स्ट रॉ है तो फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रॉ है तो सेकंड एलिमेंट, थर्ड रॉ है तो थर्ड एलिमेंट, इसी तरह से फोर्थ रॉ होगी तो फोर्थ एलिमेंट। ये जो हमारे पास ये जो लाइन जो बन रही है, ये लाइन हमारे पास कहलाती है डायगनल, ये डायगनल लाइन कहलाती है। अब डायगनल मैट्रिक्स क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ये जो डायगनल लाइन है इसके दरमियान कोई एक एलिमेंट जरूर कोई नंबर होना चाहिए, बाकी सारा मैट्रिक्स जो है हमारे पास जीरो के इक्वल हो। मतलब कि मैं इसकी एक एग्जांपल ले लेता हूं, तो देखा जाए तो ये हमारे पास डायगनल है। तो डायगनल में मैंने कहा कोई भी एक एलिमेंट हमारे पास जरूरी है जो वो कोई ना कोई नंबर होना चाहिए, भले वो पॉजिटिव हो या भले वो नेगेटिव हो, कोई एक नंबर हमारे पास नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी हमारे पास कंप्लीट मैट्रिक्स जीरो होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए डायगनल के दरमियान भी हमारे पास एक नंबर जीरो आ रहा है, पर ऐसा देखा जाए तो डायगनल के दरमियान दो नंबर और हैं जो नॉन जीरो हैं, या अगर तो मैं इस टू को भी जीरो कर देता हूँ तो फिर भी ये हमारे पास डायगनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा, पर अगर मैं इस वन को जीरो कर देता हूँ तो ये मैट्रिक्स हमारे पास अब डायगनल नहीं कहलाएगा। अब ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बन गया, अभी अभी हमने इससे पहले पढ़ा, ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बन गया जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो मतलब हमें पता लगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल में कम से कम एक नंबर जरूर जो है, एटलीस्ट एक नंबर जरूर नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी सारे एलिमेंट्स डायगनल के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो सब जीरो हों, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है डायगनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो है डायगनल मैट्रिक्स के बाद हमारे पास है स्केलर मैट्रिक्स। नंबर सेवन पर है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स से पहले डायगनल मैट्रिक्स हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें डायगनल नहीं समझ आता तो हम स्केलर भी नहीं कर सकते। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगनल के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सेम हैं। मतलब कि मैं यही वाला एलिमेंट ले लेता हूँ, 1 0 0 0 1 0 और 0 0 और 1। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो सारे एलिमेंट्स हैं ये मेरे पास सेम है। मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, इसके बाद मैं बताता हूँ ये नंबर भी मैंने अलग क्यों लिया। वन पहले मैंने लिया पर वन को हटाकर फोर क्यों कर दिया, ये हम इससे अगली टाइप में समझते हैं। यहाँ पर ये डायगनल में देखा जाए तो 4 4 4, ये तीनों एलिमेंट्स जो हैं इसके डायगनल में सेम हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगनल में सारे एलिमेंट्स सेम हो और होल मैट्रिक्स जो है हमारे पास जीरो हो तो वो कहलाता है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स, इसको नाम दिया जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहा जाता है या यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है।
आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब नाम से ही हमें समझ आ रहा है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मतलब वन, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हो, वन वन और वन, और यहां पर भी जीरो, यहां भी, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी और ये भी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के सारे एलिमेंट्स वन हो तो वो कहलाता है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसलिए मैंने यहाँ पर वन हटाकर ये फोर कर दिया था, क्योंकि अगर हमारे डायगोनल में सारे एलिमेंट्स वन होंगे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। इसके बाद है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, नाइन्थ नंबर पर ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज हमें समझ आ रहा है चेंज करने वाला, कोई नाम से ही हमें तकरीबन समझ आ जाता है टाइप के जो क्या करना है हमने। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रॉस को कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रॉ में चेंज कर दिया जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ आप लोगों को, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। देखा जाए तो यहाँ पर दो रॉज हैं और तीन कॉलम्स हैं, ये हमारे पास जो है ओरिजिनल मैट्रिक्स है जो हमने लिया है। अब इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा, इसकी मैं रॉस को चेंज कर लेता हूँ कॉलम में और कॉलम को चेंज कर लेता हूँ मैं रॉ में, तो वो हमारे पास कहलाएगा 1 3 5 और 2 4 6। तो मतलब कि इस तरह का मैट्रिक्स जिसकी रॉस को चेंज कर दिया जाए कॉलम्स में या कॉलम्स को चेंज कर दिया जाए रॉस में, मतलब के इधर से इधर जाएं या इधर से इधर जाएं, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद लास्ट में हमारे पास सबसे आखिरी टाइप जो है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हम ट्रांसपोज करें पर उसके बाद भी उसके एलिमेंट्स पर कोई फर्क ना पड़े, मतलब के रोज और कॉलम सारे एलिमेंट्स हमारे सेम होंगे। जैसे कि मैं यहां पर एग्जांपल ले लेता हूं जो बुक में हमें दी हुई है, 1 2 और 17, और सेकेंड रॉ हमें दी गई है 217, यहाँ पर है 217, और इसके बाद 5 और -11, यहाँ पर भी -11 और इसके बाद 9। तो ये हमारे पास ओरिजिनल जो हमारे पास मैट्रिक्स है ये है। अब ट्रांसपोज हमने क्या पढ़ा है, ट्रांसपोज में हमने कहा जिसकी रॉस जो है वो कॉलम में चेंज हो जाए, तो अब इसकी रॉस को जो है हम चेंज करते हैं कॉलम्स में, ये वाली रॉ है ये पूरी आ जाएगी यहाँ पर 1 2 और 17, ये वाली रॉ कॉलम में आ जाएगी 2 5 और -11, और ये वाली रॉ भी कहाँ जाएगी, कॉलम्स में आ जाएगी, तो 17 -11 और 9। तो देखा जाए तो हमने ये रॉ ली और यहाँ पर लिख दी कॉलम में, ये वाली रॉ ली और यहाँ लिख दी कॉलम में, और ये वाली भी रॉ ली और यहाँ लिख दी हमने कॉलम में, पर फिर भी देखा जाए तो इसके एलिमेंट्स जो है वो चेंज नहीं हुए, कोई भी इसमें चेंज नहीं आया, तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें हमारा मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद भी वो हमारा सेम ही रहे, उसका ऑर्डर भी और उसके एलिमेंट्स भी जो थे वो हमारे सेम रहे, तो ऐसा मैट्रिक्स कहलाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब यहाँ तक ये तो थी हमारे पास टाइप्स। अब टाइप्स के बाद हमने मैट्रिक्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, तो वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की जो कुछ प्रॉपर्टीज इससे पहले हम करते आ रहे हैं, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, वो भी हम मैट्रिक्स में अप्लाई करेंगे, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। अब तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, कोई भी दो मैट्रिक्स हमें गिवन हो
उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो तो सबसे पहले तो हम उसका ऑर्डर चेक करेंगे। ऑर्डर मतलब कि उसके रॉज और कॉलम्स चेक करेंगे। अगर तो रॉज और कॉलम दोनों मैट्रिक्स के बराबर होंगे तो फिर ही हम उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या मल्टीप्लाई भी हम उसी सूरत में करेंगे। मतलब अगर हमें गिवन हो एक मैट्रिक्स, हमें गिवन हो जिसमें दो रॉज और दो कॉलम्स हो, और तीसरा मैट्रिक्स हमें गिवन हो जिसमें दो रॉज और तीन कॉलम हो, या तीन रॉज और तीन कॉलम्स हो, तो उन दो मैट्रिक्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर तो इस तरह का हमें सवाल दे भी दिया जाएगा तो हम सिंपली नीचे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो यहां पर मैं पहले सिंपल एक एग्जांपल ले लेता हूं एडिशन की, जिसमें हमें मैट्रिक्स ए गिवन है 1 2 3 5, और बी मैट्रिक्स हमें गिवन है 5 6 3 7। इन दोनों मैट्रिक्स को मैंने ऐड करना है, तो सबसे पहले तो मेरा काम क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करना है। ऑर्डर बराबर है तो यहां पर दो रॉज हैं, यहां पर भी दो रॉज हैं, यहां पर दो कॉलम्स हैं, यहां पर भी दो कॉलम्स हैं, तो मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूं, इन दोनों मैट्रिक्स को मैं ऐड कर सकता हूं। तो स्टार्ट करते हैं। मालूम मैंने करना है ए प्लस बी दोनों को, इस वाले को मैंने नाम दिया है ए का और इसको बी को बी का नाम दिया है, तो ए प्लस बी मैं मालूम करने जा रहा हूं। ए की जगह पर मैट्रिक्स ए आ जाएगा 1 2 3 और 5, और प्लस कर लेंगे इसमें सेकंड जो कि हमारे पास गिवन है 5 6 3 और 7। अब दो मैट्रिसेस को ऐड करने का तरीका क्या है, इनकी रॉज जो है वो रॉज में ऐड होंगी, मतलब कि ये फर्स्ट एलिमेंट जो है इधर के फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये सेकंड एलिमेंट जो है इस सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड होगा, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट इधर फर्स्ट एलिमेंट के साथ, और ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो मतलब कुछ इस तरीके की मेरे पास कंडीशन बनेगी, 1 जो है ऐड होगा 5 के साथ, मतलब 1 प्लस 5, ये मेरे पास आ गया फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट। अब थोड़ी सी जगह छोड़ के अब यहां पर आ गया 2 प्लस 3। अब इसके बाद इस एलिमेंट को इसमें ऐड करना है, ये कौन सी रॉ है, सेकेंड रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है, तो मैं इस एलिमेंट को यहां पर नहीं लिख सकता, सेकेंड रॉ है तो सेकेंड में ही लिखूंगा, तो इस एलिमेंट को इसमें ऐड करना है, तो मतलब 3 प्लस 6 आ गया। अब ये जो है हमारा सेकेंड कॉलम में आ रहा है, तो इसको हम सेकेंड कॉलम की जगह पर ही लिखेंगे। ये भी ध्यान रखना है, जो अगर फर्स्ट रॉ का फर्स्ट एलिमेंट है तो वो फर्स्ट की जगह पर ही आए, हम ऐसे नहीं कर सकते ये 1 प्लस 5 वहां ले जाएं या 2 प्लस 3 यहां ले जाएं, इस तरह से नहीं किया जा सकता। जिस ऑर्डर पे ऐड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में ही लिखेंगे, जैसे यहां पर ये 1 और 1 है तो 1 में ही लिखेंगे, यहां पर ये 2 और 1 है तो यहां पर इसको यहां पर लिखेंगे, तो जिस जगह से हमने उठाया उसी जगह पर ही उसके एडिशन का आंसर आएगा। तो यहां पर ये 5 प्लस 7 आ जाएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 5 6, 3 प्लस 6 9, और यहां पर 2 प्लस 3 5, और 5 प्लस 7 12। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी का आंसर। इसी तरह से अब सब्ट्रैक्शन भी देख लेते हैं, मैं यही वाले दोनों मैट्रिक्स उठा के सब्ट्रैक्शन भी कर लेता हूं। ए माइनस बी हम मालूम करने जा रहे हैं, जबकि मैट्रिक्स ए हमें गिवन है 1 2 3 और 5, और यहां पर माइनस, और फिर सेकंड है हमारे पास 5 6 3 और 7। तो फर्दर सेम यही तरीका रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ ऐड हो रहे थे, यहां पर इधर क्या होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 1 और -5 1 -5। थोड़ी सी जगह छोड़कर ये सेकंड कॉलम आ गया, तो इसलिए थोड़ी सी जगह छोड़ के हम सेकंड कॉलम लिखेंगे 2 -3, और यहां पर 3 -6 सेकेंड में आ गए हम। अब इसके बाद 5 -7, फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो 1 माइनस फाइव
माइनस फोर, थ्री माइनस सिक्स माइनस थ्री, टू माइनस थ्री माइनस वन, और फाइव माइनस सेवन माइनस टू। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। मैट्रिक्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ सकते हैं, तो ये हमारे पास ए माइनस बी का आंसर आ गया। एक एग्जांपल में एडिशन की और ले लेता हूं, यहां पर इसी को ही रख करके इस मैट्रिक्स को मैं चेंज कर लेता हूं, थोड़ा चेंज ले आते हैं। अब ए मैट्रिक्स मुझे ये गिवन है और बी मैट्रिक्स ये गिवन है, बोला जा रहा है इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है, मतलब मैंने मालूम करना है ए प्लस बी। तो ए प्लस बी मालूम करने के लिए सबसे पहली मेरी जो कंडीशन है वो क्या है, ऑर्डर चेक करने, ऑर्डर बराबर होंगे तो फिर ही हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं अपने पास नीचे लिख लेता हूं फर्स्ट स्टेप में मैट्रिक्स को, वन थ्री टू और फाइव ऐड करना है इसमें हमने, वन थ्री सिक्स टू थ्री फाइव। ऑर्डर देख लेते हैं, वन और टू दो रॉज हैं और वन टू थ्री यहां पर तीन रॉज हैं, इधर दो रॉज हैं और इधर तीन रॉज हैं, ऑर्डर हमारा बराबर नहीं है। देखा जाए तो कॉलम दोनों में दो दो ही हैं पर रॉज बराबर नहीं है। और हमने देखा क्या, फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट के साथ ऐड हो रहा है, सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। तो इस तरह से ये दोनों मैट्रिक्स सिर्फ यहां तक ऐड होंगे, ये एलिमेंट्स बच जाएंगे हमारे पास। तो इसीलिए इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर नहीं है, तो इन दोनों को ऐड नहीं किया जा सकता। नीचे मैं स्टेटमेंट दे दूंगा, नॉट पॉसिबल। ये जो हमें ऑपरेशन दिया गया है करने के लिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरह से मैं अगर बोल देता हूं इन दोनों को माइनस करो, तो ये दोनों मैट्रिक्स माइनस भी नहीं हो सकते क्योंकि इनका ऑर्डर बराबर नहीं है। तो उस सूरत में भी हमारा आंसर क्या होगा, नॉट पॉसिबल। तो ये थी हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमारे पास थ्री बाय थ्री वाले मैट्रिक्स हो, मतलब कि तीन रॉज हों और तीन कॉलम्स हों, तो उनका भी तरीकेकार इसी तरह से होगा जो हम अभी आगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में भी हमें दो मैट्रिसेस चाहिए, तो मैं दो मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं यहां पर, टू फाइव वन और थ्री, और यहां पर सेकंड हमारे पास बी जो है वो वन थ्री फाइव और सेवन। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है जो मैंने अपनी तरफ से कंसिडर कर ली है और यहां पर ले लिया। अब हमने मालूम क्या करना है, मालूम हमें करना है बोला जा रहा है फाइंड ए बी। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी हमने मालूम करना है। ए मल्टीप्लाई बाय बी मालूम करने के लिए भी सबसे पहले जैसे कि हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में चेक किया था, जो इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इनके ऑर्डर बराबर हैं या नहीं है, इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में भी सबसे पहले हम मैट्रिसेस के ऑर्डर चेक करेंगे, जो इन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर बराबर हैं या नहीं है। अगर तो ऑर्डर बराबर नहीं होंगे तो उन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें दो रॉज हैं, इधर भी दो रॉज हैं, इधर दो कॉलम्स हैं, इधर भी दो कॉलम्स हैं, तो मतलब इन दोनों का ऑर्डर जो है वो बराबर है, तो हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। मैंने मालूम करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी, मैंने नहीं मतलब आप लोगों ने मालूम करना है, आप लोगों का कोर्स है आप ही करेंगे। तो यहां पर ए मैट्रिक्स हमें गिवन है टू वन फाइव और थ्री, मल्टीप्लाई हो रहा है वन थ्री फाइव और सेवन। अब मल्टीप्लाई करने का तरीकेकार जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन से थोड़ा सा चेंज है, जैसा कि हम सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस में या नंबर्स में भी देखते हैं मल्टीप्लाई बिल्कुल ही
अलग-अलग तरीके का, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई और डिवाइड ये दो अलग-अलग कैटेगरीज हैं। इसी तरह से यहां पर भी मल्टीप्लाई जो है वो डिफरेंट होगा। ऐड और सबट्रैक्ट में हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ ऐड कर रहे थे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ ऐड कर रहे थे। अगर हमें बोला जाए एक्स प्लस वन को ऐड करना है, तो इनको हम ऐड कैसे करते हैं, सिंपली ये ब्रैकेट ओपन करके एक्स प्लस वन और यहाँ पर आ जाता है टू एक्स प्लस वन। ये हमारे पास इक्वेशंस में जो इससे पहले हम पढ़ते आ रहे हैं, एल्जेब्रिक इक्वेशंस पढ़ रहे हैं हम, नाइन्थ क्लास में भी हमने पढ़ी हैं। तो इन दोनों को ऐड इस तरह से किया जाता है। और अगर बोला जाए इन दोनों को यही नंबर है मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई हम किस तरह से करते हैं, यहां पर देखा जाए तो इसको ऐड हमने सिंपली सिर्फ एक्स के साथ किया और वन सेम आया। पर जब हमें बोला जाए मल्टीप्लाई के लिए, तो हम ये नहीं देखते सेम वाले नंबर को सेम के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, नहीं, हम क्या करते हैं इस वाले एलिमेंट को अंदर वाले दोनों एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहले एक्स मल्टीप्लाई होता है एक्स से, फिर एक्स मल्टीप्लाई होता है वन से। तो यहां पर भी हमने यही काम करना है। एडिशन में तो हमने सिंपली जो रॉ वाले एलिमेंट्स थे रॉ में ऐड कर दिए और कॉलम वाले कॉलम में ऐड कर लिए। अब यहां पर हमें क्या करना है, हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है। अब हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाना है तो मतलब कि ये जो रॉ के दो एलिमेंट्स हैं ये इधर वाले सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे, और इसी तरह से ये जो एलिमेंट्स हैं ये भी इधर वाले सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। जिस तरह से हम एग्जांपल पॉलिनोमियल इक्वेशंस में ही ले लें, तो हमारे पास एक ये गिवन है और ये है 2x + 3। इस तरह से अगर हमें इक्वेशन गिवन हो तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2x + 3 से, और फिर आ जाते हैं प्लस वन और मल्टीप्लाई करवा देते हैं 2x + 3 से। मतलब यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं उन सारे उस एलिमेंट को फर्स्ट वाले को उठाया, सेकंड वाले दोनों से, और फिर सेकंड वाले को उठाया फिर दोनों से। तो यहाँ पर भी हमने यही काम करना है। यहाँ पर हम पहले फर्स्ट रॉ लेंगे, इस फर्स्ट रॉ को इधर वाले दोनों एलिमेंट्स से दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। मतलब ये वाली रॉ पहले लेंगे, इस रॉ को हम नाम दे देते हैं वन का, इसको टू का। यहाँ पर कॉलम ये वन और ये टू, आसानी के लिए हम अपना नाम दे देते हैं। पहले रॉ नंबर वन उठाएंगे, कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर टू, पहले कॉलम नंबर वन से फिर कॉलम नंबर टू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर रॉ नंबर टू उठाएंगे कॉलम नंबर वन और कॉलम नंबर टू से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब तरीकेकार क्या होगा, तरीकेकार ये होगा, देखा जाए तो यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स है, यहाँ पर भी दो एलिमेंट्स है, तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से और सेकेंड वाला एलिमेंट सेकेंड वाले से। इसी तरह से फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट वाले से और सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले से मल्टीप्लाई होगा। स्टार्ट करते हैं। ये मैंने अपने पास एक मैट्रिक्स बना लिया, अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई का तरीका, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, मतलब कि ये टू मल्टीप्लाई होगा वन से, टू मल्टीप्लाई बाय वन, और ये फाइव मल्टीप्लाई होगा थ्री से, तो फाइव मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब सवाल ये आया इन दोनों के दरमियान में साइन कौन सा लगेगा, तो साइन इन दोनों के दरमियान में जो लगेगा वो होगा प्लस का साइन। यहाँ पर जो इन दोनों के दरमियान में साइन लगेगा वो प्लस का साइन होगा हमेशा। मतलब कि जब हम रॉ को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई, और जो सेंटर में साइन लगेगा वो होगा प्लस का। अब ये था हमारे पास फर्स्ट रॉ, तो ये फर्स्ट की जगह पर आ गया। अब इसके बाद हम फर्स्ट रॉ को किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के हम सेकंड कॉलम की जगह पे चले जाएंगे। अब ये टू मल्टीप्लाई होगा फाइव से, तो टू मल्टीप्लाई बाय फाइव, सेंटर में साइन आएगा प्लस का, और यहाँ पर फाइव मल्टीप्लाई बाय सेवन। ये हमारे पास जो थी फर्स्ट रॉ का काम यहाँ पर खत्म। अब सेकेंड रॉ की बात आ गई, जिसके हमने रॉ नंबर टू का नाम दिया है। अब इसका फर्स्ट एलिमेंट हम उठाएंगे, यहाँ पर पहले फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट से मल्टीप्लाई, मतलब के वन मल्टीप्लाई बाय वन, सेंटर में प्लस, फिर थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। अब सेकंड कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो वन मल्टीप्लाई बाय फाइव, और फिर प्लस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा थ्री मल्टीप्लाई बाय सेवन, और ये मैट्रिक्स क्लोज हो जाएगा यहाँ पर।
अब इसके बाद फर्दर सिंप्लीफिकेशन से तो यहां पर आ जाएगा 2 1 2 प्लस 5 3 15, 1 1 1 प्लस 3 3 9, 2 5 10 प्लस 5 7 35, 1 5 5 प्लस 3 7 21। फर्दर इसका आंसर हमारे पास आएगा, यहीं पर लिख लेते हैं, 2 प्लस 15, यहाँ पर आंसर आएगा हमारे पास 17, और ये 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 35 45, 5 प्लस 21 26। तो ये हमारे पास a मल्टीप्लाई बाय b का आंसर आ गया। तो हमने देखा मल्टीप्लाई करते वक्त दो मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई करवाना है तो उसका तरीका एडिशन और सब्ट्रैक्शन से बिल्कुल ही चेंज है, जो कि हम पहले पॉलीनोमियल्स में भी पढ़ते आ रहे हैं। जैसे अगर ये इक्वेशन से एक्स प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3, तो इसको हम ऐड किस तरह से करते थे, x वाले एलिमेंट्स x के साथ और कांस्टेंट एलिमेंट्स कांस्टेंट के साथ। पर जब यही दोनों नंबर्स हमें दे दिए जाए और मल्टीप्लाई करने का बोला जाए तो हम किस तरह से करते थे, पहले फर्स्ट वाला एलिमेंट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई और फिर सेकंड वाला एलिमेंट पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हमने मैट्रिसेस को भी ऐड करना था, तो पहले ऐड में हमने क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ ऐड कर लिया सिंपली, रॉस को रॉस के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ ऐड कर लिया, तो मतलब हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। पर जब हमारी बारी आई मल्टीप्लाई की तो मल्टीप्लाई में हमें इधर जो रॉस है इधर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवानी थी, मतलब कि ये फर्स्ट रॉ इस वाले से सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो और सेकंड रॉ जो है इसके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो। तो उसके लिए हमने क्या किया था, फर्स्ट रॉ को पहले मल्टीप्लाई करवाया फर्स्ट रॉ से जो कि फर्स्ट की जगह पर आया, और फिर फर्स्ट रॉ को हमने सेकंड से मल्टीप्लाई करवाया तो वो सेकंड की जगह पर। अब इसी तरह से हमारी सेकंड रॉ की बारी आ गई तो हम नीचे वाली रॉ में आ गए, सेकंड रॉ को उठाया फर्स्ट कॉलम से और फिर सेकंड रॉ को उठाया सेकंड कॉलम से। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कॉलम से तो उसमें हमारा तरीका क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट को सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हमारे पास तीन एलिमेंट्स होंगे तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये हमारा तरीकेकार है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस का। यहाँ पे हमारे जो बेसिक जो हमारा मैट्रिसेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने पढ़नी थी बेसिक हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।